अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ये देखिए मैंने फिश ले ली है, अच्छे से मैंने इसको वॉश किया। अब इसको मसाला लगा लेते हैं। कुछ मसाले डाल लेते हैं, अदरक लहसुन और मिर्चों का पेस्ट, ये मैंने तकरीबन 2 चम्मच भर के डाल दिया। और साथ साथ में ये लाल मिर्च ये डाल दूंगी, हल्दी ये डाल दूंगी, लाल मिर्च कम है थोड़ी सी और डालूंगी, जीरा और धनिया पाउडर ये डाल दूंगी, साथ में नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये लाल मिर्च कलर वाली ये डाल दूंगी, साथ में ये मसाला है ये डाल देती हूँ, और 2 चम्मच भर के मैं इसमें बेसन डाल देती हूँ। ये मैंने मछली मसाला लिया, ये डाल दूंगी साथ में, तकरीबन ये सारा ही डाल देती हूँ। अच्छी सी चटपटी, सही मज़ेदार बन जाए इसलिए मैंने मसाला थोड़ा तेज़ रखा है। अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा मुझे बेसन कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ, अच्छी सी कोटिंग हो जाए इस तरह। मसाला सारा अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा इसलिए मैं हाथ लगा रही हूँ, क्योंकि हाथ से ज़रा अच्छा से इसको मसल के बीच में भी मसाला लगा लेंगे। और साथ में मैं लेमन डाल रही हूँ, ये लेमन है, इसको अच्छे से मसाला लगा के आधा घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रखना है, फिर आधे घंटे के बाद इसको फ्राई करना है जब तक इसमें अच्छे से मसाला जज़्ब हो जाए। देखें इसके अंदर भी अच्छे से लगना चाहिए ये इस तरह, हाथ से इसलिए लगाते हैं कि चम्मच से बाहर बाहर से लग जाएगा, अंदर से नहीं लगेगा। ये अंदर तक हाथ लगा के इस तरह इसको मसलें और अच्छे से ये एक दूसरे में जज़्ब भी हो जाए, जो मसाला नीचे है उठा के मछली के ऊपर नीचे ये इस तरह ये अच्छे से नीचे जो मसाला पड़ा हुआ है इसे उठा उठा के इसके बीच में लगा लेते हैं इस तरह। सर्दियों में तो आपको पता है ये ज़बरदस्त है, वैसे भी सेहत के लिए आपको पता है बहुत ही अच्छी है। देख लें अच्छे से मसाला लग गया इसको, मसाले की थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है इसलिए कि मैंने कहा जो जो डाले वो सब चीज़ें आपको समझ आ जाए, जो नए आने वाली बच्ची हैं उनके लिए ये वीडियो देखें उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। ये देखें मसाला अच्छे से लग गया, अब मैं आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। ये साइडों पे जो मसाला इधर उधर लगा हुआ इसे थोड़ा उतार के बीच में डाल देते हैं, मसाला अच्छे से लग जाए। अब फ्राई करते वक्त मिलते हैं आपसे। देखिए मसाला
लग गया मच्छी को, आधा घंटा मैंने रेस्ट दे दी है। अब ये मैंने ऑयल ऊपर रख दिया है, ये गर्म हो गया ऑयल। अब इसमें मैं इसको डालूंगी, आराम आराम से, अपना हाथ नहीं चलाना। काफ़ी सारे पीस मैंने डाल दिए, एक पीस में और डालती हूँ, इसे फ्राई करते हैं फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। One time.